गाइस ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग है जहाँ मैं लाइक वाइल्ड राइडिंग एंड शूटिंग प्लीज इसे एंजॉय कीजिए जितना हो सके दबा के लाइक और शेयर कमेंट हो दी दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए बाय Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the road right till I hiccup. Hello guys, good morning, assalamualaikum, sastriyakal, kem chho, and welcome to my YouTube channel. So guys, आज हमारे साथ है केड अंडर डांसी डलन सीजन भाई सद्दाम शेख साजिद भाई और प्रीतम एज यूजुअल जब बेइज्जती है कहाँ जा रहे गाइज हम लोग चंदन वैली और वहाँ पे ग्रैपलिंग करेंगे बोटिंग करेंगे और नाइट कैंप करेंगे सारा चीज करेंगे बहुत नया चीज होगा हाँ। पहली बार ब्लॉग में कुछ नया होगा ये हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स सुनेंगे जहाँ पर मैं अलग अलग खतरनाक प्लेस ट्राई करने वाला हूँ के लिए जा रहे हैं तो हम हमारा न्यू ईयर जो है वो पहाड़ों में मनाने जा रहे हैं 2020 में हमारी बहुत ली है अब हम 2020 की लेने जा रहे हैं चलो लेट्स गो गाइज हम फाइनली कसारा पहुंचे इसके बाद से यहाँ से कसारा घाट चालू होगा हमने यहाँ हॉल्ट लिया ये सामने एक होटल है और हम फिलहाल इस पेड़ की छत्र छाया में हैं साथ में बैठा हुआ है लड़का हमारा एक दोस्त वहाँ पर झाड़ों में यस आई गेस कैंपिंग कर रहे हैं हम आज रात को और बहुत सारी चीजें बहुत सारी एक्टिविटीज आज करने वाले धीरे धीरे आप व्लॉग देखते रहिए और आगे पता चलता जाएगा सब एक साथ डिस्क्लोज करेंगे तो मजा नहीं आएगा बाकी व्लॉग आएगा गाइस आप लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सबको 8 किलोमीटर तो गाइस फाइनली हम कसारा घाट पे हैं और शायद आपको दिख रहा है या नहीं वो साइड पे एक ट्रेन है पता नहीं कैमरा उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं वो रुकी हुई है फिलहाल वो ट्रेन हम लोग एक्चुअली घाट से जा रहे हैं और यहाँ से इगतपुरी सिर्फ 8 किलोमीटर तो लेट्स सी एंड एंजॉय द घाट सो ब्यूटीफुल क्या इंजीनियरिंग है ब्रो एक साइड रेलवे स्टेशन इतनी हाइट पे एंड सेकेंड इज दिस द रोड रुक जाओ आप स्पॉट हो गए हो आराम से चला भैया तो बोल भाई आराम से चला गाइस फाइनली अभी जब लास्ट टाइम हम रेनी सीजन में आए थे यहाँ पर तो ड्यू टू कोविड दे डिडंट अलाउड अस ये गेट के बाहर से ही भगा दिया था हमें बिकॉज कोविड की वजह से ये बंद था एंड फाइनली अब हम लाइक टुडे 31st December एंड वी आर दिस साइड ऑफ दैट बैरिकेड एंड यहाँ से चालू हो रहा है दिस आर द फॉरेस्ट ऑफिसर्स इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया है सर आपका नाम बता सकते हैं आप संजय गीते यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर है और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने देखभाल किया स्टार्टिंग में हम सर लास्ट टाइम आए थे कोविड की वजह से ये बंद था तो हमें अलाउ नहीं किया था हाँ थैंक यू सो मच सर हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच स्टे सेफ सर लेट्स पार्टी स्टार्ट फ्रॉम हियर शुरू हो चुकी है अंताक्षरी लेके प्रभुदेवा का नाम ना सब लोगों को बताता हूं यहां से ये पावती फाड़ने के बाद आपके हाथ में अगर ये रहेगा तो आपको अंदर है ओके गाइस ये चीज दे रहे वाह बी केयरफुल कलचू भाई हरीश चंद्रगढ़
अभ्यारण अगर ये है तो आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप रिटर्न जा सकते हैं। यहाँ के लोगों का ये एंट्रेंस है। हाँ नहीं नहीं एक्चुअली ग्राम पंचायत से ही मानता है, अंदर का मैप है पूरा, क्या क्या घूमने का, और इसको ये लोग पास ही बना के देते हैं। मतलब चलो लेट्स मूव गाइस। गाइस हमें इस रोड के साथ प्यार हो गया, वी आर इन लव विद दिस रोड, वी आर कमिंग ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 years आई गेस ऑन दिस रोड, एंड दिस रोड आर माय गो टू लव। गाइस फाइनली हम बेस कैंप पे पहुंचे इतने देर राइडिंग के बाद, एंड आवर फर्स्ट गाइड ऑफ द डे। क्या नाम है तुझा? क्या है? सोनाली। कौन सा वर्गत है तू? तीसरी जा। शाड़ी का नाव क्या है? शाड़ी का नाव क्या है? जिला अमृतसर। ओके चलो चलते हैं बेस कैंप पे, देखते क्या क्या तैयारी हुई है, एंड लेट्स गो। एंड दिस इज द मैन, ये हमारे सुनील दादा। प्लीज यहाँ रोड बनू। हाय दादा सोहेल। ओके कैसा चल रहा? 3 दिन खाली फोन पे बात किया हम लोग ने। कैसा दादा? कैसा चल रहा प्रो? अरे कैसा लाला का रोड चांगला होता, चांगला होता। ये तुमचा साइट है? मैं बघूया चला। कैसा लगा आपको लोकेशन? मजा आ गया रे बाबा, मेरा दिल एकदम खुश हो गया है। मजा ही मजा है आज मेरे को। तो गाइस ये सुनील दादा, ये पूरा सेटअप जो है इन्होंने किया है। अगर आपको चाहिए तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. आज का हमारा पहला एडवेंचर भंडारदरा लेक पे बोटिंग। क्या करने जा रहे गाइस? हम लोग अभी जा रहे 4 किलोमीटर से आया बोट राइडिंग के लिए। अंकल फाइनली आ चुके हैं, 4 किलोमीटर से आया है। अंकल आप हमसे गुस्सा हो? नहीं नहीं चलो अंकल गुस्सा नहीं, लेट्स गो। प्रेम का बात बोल दे रहे, प्रेम का बात ले भाई। हां बैठा बैठा, मेरा वजन बहुत है क्या? नहीं कुछ नहीं, उधर पावर रखने के लिए थोड़ा मूड रहता ना भाई, बीच में फ्लिप मारा। काका पलटी नाही होणार ना इकडे आले ना कडा? काका पलटी नाही होणार ना? नाही नाही पलटी नाही होणार, आपण केल्याशिवाय। नाही सन काका बोल, याच्यात बोल। ये भंडारदरा का बैक क्वार्टर है। ओके okay. और ये अभी इधर हम जिस जगह आए ना, इधर नीचे 150 फीट तक नीचे डिप है, और आगे जाएगा तो 300 साढ़े 300 फीट। एक नंबर, 150 फीट तक डीप है, ऐसा कोई हिलो मत इधर उधर प्लीज। टेंट, ये दो टेंट दिया है हमको यहाँ पर, एक साइड है, बाजू में लेक है भंडारदरा लेक। अंधेरे में शायद आपको दिख रहा नहीं होगा, अंधेरे में कोई भी कैमरा रात को जस्टिफाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि शायद से म्यूजिक का कॉपीराइट भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे गाने बजा रहे हैं। एंड बस वेट है तो रात के 12 बजने का, एंड विल स्टार्ट अ न्यू ईयर। सो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए आप। ऐसा न्यू ईयर देखा है गाइस आपने?
खूबसूरत न्यू ईयर है मेरे लिए पहली बार। आपके लिए कैसा न्यू ईयर है? बिना बहुत अच्छा। तुम्हारे लिए आग लगा देंगे, लगा दिया गाइस। नाइन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन हैप्पी न्यू ईयर। चला गया Hey guys, good morning, straight from Bhandara Lake. Actually, ये हमारा टेंट है जो कि आप देख सकते हैं फुल्ली अनऑर्गेनाइज्ड है। अब वो सब छोड़ दो, टेंट छोड़ो, अब टेंट के यहाँ से व्यू देखिए। Oh my God, look at that! But अब वो देख रहे ध्यान से, फॉग जमा हुआ है लेक में। So I'll take you guys outside. Good morning. आप खुली सीधा जन्नत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय महाराष्ट्रमति। जय महाराष्ट्रमति। मैं महाराष्ट्र बोल रहा था। चलो गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत है आपका 2021 में। वाह, क्या लोकेशन है ये गाइस। ये नानी फॉल्स है। एक्चुअली हमारा जो रात का एक्टिविटीज है वो हो चुका है। हमने बोटिंग कर ली, हमने टेंट कैंपिंग कर ली रात को भंडारा लेक के पास। अभी हमारा डे टू चालू हो गया है। आज 1st of January 2021। वो मनहूस साल जो था वो जा चुका है और अब हम जा रहे हैं संदन वैली। यहाँ से हम ट्रैकिंग करने वाले हैं और रैपलिंग करने वाले हैं। तो हम चार जन अभी, फिलहाल दो जन अभी, मैं और प्रीतम बैठे बाइक पे। और आप रोड की कंडीशन तो देख ही सकते हो, माशाल्लाह रोड है यहाँ की, एकदम मस्तक फिरुल्ला रोड है यहाँ की। यहाँ से जा रहे हम संदन वैली, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो डायरेक्ट मिलते हैं आपको संदन वैली में। ओके, लेट्स गो। Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the road right till I hiccup.